नाम है अवधेश ahirwar और मेरे प्रिय मित्र हैं आज सत्यम पस्तोर मेरे साथ में, और हम आपको पूरा बरगी डैम घुमाने वाले हैं। आज तुरंत के तुरंत आज पूरा बरगी डैम हम आपको घुमाने वाले हैं, पूरा एक से एक नज़ारा हम दिखाएंगे। लीजिए आप सत्यम जी, आप बताएंगे अपने व्यूअर्स को। देखिए प्लीज़, सबसे पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप प्लीज़ को लाइक सब्सक्राइब करें इस वीडियो को जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ अभी। देखिए ये बरगी डैम है जो नर्मदा नदी के किनारे बना हुआ है जबलपुर में। ये बहुत ही बड़ा डैम है दोस्तों, आप देख रहे हैं जैसे कि बहुत ही बड़ा डैम है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े गेट्स यहाँ पे बने हुए हैं बरगी डैम में। ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा डैम है जो इस वक्त अपने पूरे उफान पर है। बहुत 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 बड़ा डैम है दोस्तों। देखिए इसका पानी, देखिए कितने ऊपर तक जा रहा है, एकदम भेड़ाघाट से भी, भेड़ाघाट का जो डैम है उससे भी। देखिए मेरे फ्रेंड अवधेश कैसे बैठे हुए हैं यहाँ पे, आप भी देख सकते हैं। मैं भी इनको कंपनी देने के लिए यहाँ पे बैठ जा रहा हूँ। आराम से बैठिएगा सत्यम जी। देखिए दोस्तों, वी आर सिटिंग इन द पूल। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डैम। और हम लोग यहाँ आते समय एक स्वीटी का पैकेट लाए थे, सोचा हम लोग का एंजॉयमेंट हो। मेरा वाला पैकेट कहाँ गया, ऐसी में से तो इसी में से खा लेते हैं हम लोग चूटी थोड़ी थोड़ी। ये चूटी खाई और हम लोग स्वच्छ भारत के अभियान के लिए चल रहे हैं तो हम इसको जेब में डालेंगे। ये देखिए जरूर हम इसको बाहर जाके अभी फेंक देंगे। आ जाओ, देखिए कितना सुंदर आप देख पा रहे हैं कि नहीं दोस्तों। लेकिन यहाँ रेनबो भी बन रहा है, देखिए कितना बड़ा, कितना विशाल डैम है आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसकी खूबसूरती, इसका जो साउंड है, देखिए दोस्तों कितना ही जबरदस्त, कितना बड़ा डैम है दोस्तों। आप देख रहे हैं, देखिए 500 रुपए दिए हैं हम लोगों ने अभी अभी तभी जाके, उसमें उनको परमिशन दिए हैं। यहाँ पे रिश्वत हर जगह चलती है दोस्तों, यहाँ पर भी। देखिए दोस्तों आप बरगी डैम का नज़ारा, इतना बड़ा डैम मैंने शायद ही आज तक कहीं देखा हो। देखिए दोस्तों ये रोड है जो लखनऊ टाउन की साइड जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बरगी डैम। अभिषेक, अवधेश, अवधेश, ये ब्लॉग वाकई बहुत ही मज़ेदार खूबसूरत होने वाला है आप सबके लिए, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने कभी भी ऐसा कोई ब्लॉग नहीं बनाया। ये देखिए भेड़ाघाट का, अगर आपके सब्सक्राइबर आते हैं तो हम लोग ज़रूर जाइए। हमने अपने हमारे दोस्त अवधेश से मिले हैं, आपको ज़रूर कुछ राय देंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप जब भी यहाँ आए तो फुल तैयारी से आइएगा गाड़ी यहाँ, क्योंकि बरसात और पानी कभी भी रोडों की सड़कों में भर सकता है। और ये मेरे भाई क्या नज़ारा देखते हुए, बोलिए बोलिए एक बार, दोनों हाथ उठाइए अपने, दोनों हाथ उठाइए और बोलिए भारत माता की जय। चलिए व्यूअर्स, मैं अभी आपको बाय कहता हूँ क्योंकि यहाँ रात हो रही है, वो हम लोगों को 500 रुपये और मंगा रहे हैं, नहीं तो घूमने नहीं देंगे। ठीक है व्यूअर्स, love you, love you, please subscribe and comment this too fast, love comment, you guys, comment, comment, subscribe, love you guys, bye. Love you, bye, 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 bye.